मैं सुभाष हूँ। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बर्लिन में भारतीय सैनिकों ने मुझे नेताजी कहकर सम्मानित किया। आइए मैं आपको अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों के बारे में बताऊं। मेरा जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। मेरी माता का नाम श्रीमती प्रभावती देवी और मेरे पिता श्री जानकीनाथ बोस, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। मेरी प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में हुई। तब मैं 12 साल का था। मेरे परम पूज्य आचार्य श्री बेनी माधव दास ने मुझसे एवं मेरी कक्षा के छात्रों से कहा था, कभी मत भूलना कि तुम भारतीय हो। भारत एक महान देश है। अपने देश और देशवासियों से प्रेम करना सीखो। बेनी माधव जी एक सच्चे देशभक्त थे और मैं उनके सिखाए मार्ग पर चलने के लिए सदैव तत्पर था। तत्पश्चात मैंने कलकत्ता में उच्च शिक्षा ग्रहण की और इंग्लैंड में सिविल सर्विस की परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया। लेकिन मैंने सिविल सर्विस छोड़ दिया, मुझे अपने देश लौटना ही था। अंग्रेजी हुकूमत से अपने देश को आज़ादी दिलानी थी। एक बार की बात है, ब्रिटिश सरकार ने मुझे कलकत्ता में अपने ही घर नज़रबंद कर दिया, पर मुझे बंदी बनाना इतना आसान नहीं था। मैं वहाँ से भाग निकला, भिन्न भिन्न देशों में गया हूँ, वहाँ राजनैतिक गठबंधन बनाए। 1943 में मैं जर्मनी छोड़ जापान पहुँचा और फिर सिंगापुर। वहाँ मैंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया। इस आज़ाद हिंद फौज के साथ मैं जुलाई 1944 को बर्मा पहुँचा। यही मैंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मेरे इस कथन पर फौज का हर सैनिक अपना जान न्योछावर करने पर तत्पर हो गया। मेरा उद्देश्य था एक सशक्त क्रांति के द्वारा मेरे भारत की स्वतंत्रता। जय हिंद। सुभाष जी वो जान हिंद आ।